नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव बट टेम्परेरी इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन एनवायरनमेंट। कैसे हमारी एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव बट टेम्परेरी इम्पैक्ट हुआ है लॉकडाउन के कारण, कैसे हम जलंधर सिटी से हिमालय की पहाड़ियाँ देख पा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एनवायरनमेंट होता क्या है। जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी सराउंडिंग में, आसपास जो भी चीज़ें हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ज़मीन, लैंड, जो भी है, ये सब हमारा एनवायरनमेंट में कंसीडर होता है। अब ये देखते हैं कि एनवायरनमेंट पोल्यूट कैसे होता है, और एनवायरनमेंट की स्टडी को इकोलॉजी बोला जाता है। देखते हैं एनवायरनमेंट पोल्यूट कैसे होता है। पोल्यूशन ऑल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन द एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द एनवायरनमेंट इन एक्सेसिव अमाउंट। जब हमारी एनवायरनमेंट के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस या हीट, साउंड, रेडियो एक्टिविटी जिसे एक्सेस अमाउंट में हो जाती हैं, तो हमारा एनवायरनमेंट है पोल्यूट हो जाता है। बेसिकली बोला जाए हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फॉरेन पार्टिकल्स हमारे एनवायरनमेंट में आए और जो गैसेस जितने अमाउंट में हमें चाहिए हैं उससे ज़्यादा या कम होती है, तो हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाता है। काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? द टॉक्सिक गैसेज दैट फैक्ट्री रिलीज इन टू द एयर कम्बाइंड विद दोज एडेड बाई ऑटोमोबाइल ऑन द रोड। जब हमारी फैक्ट्रीज चलती हैं तो उनसे एक गैस रिलीज होती है, टॉक्सिक गैस लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे एयर पोल्यूशन ख़राब करती है। क्योंकि एयर भी हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है, जैसे वाटर हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा, सोइल हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। जब भी कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल या कोई एक्स्ट्रा गैस, हैवी मटेरियल, रेडियो एक्टिविटी मटेरियल है, वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एक्सेसिव मैटर में आएगा, तब हमारी एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट होगी। अब देखते हैं वाटर पोल्यूशन क्या है। इलीगल डंपिंग ऑफ कंटेनमेंट वाटर गैसेस, केमिकल, हैवी वाटर मेटल, रेडियो एक्टिविटी मटेरियल इन टू वाटर वेज। हमारे पानी के अंदर जब हम इलीगल डंपिंग करते हैं, जो हमारे फैक्ट्रीज से हमारा केमिकल्स और हैवी मेटल्स निकलता है, पानी के अंदर डालते हैं, वो डायरेक्टली रिलेट करता है हमारी मरीन लाइफ से, हमारी मछलियों के जीवन से। अब देखते हैं सॉइल पोल्यूशन क्या होता है। जो हमारे इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है, जब वो हमें किसी लैंड पे डाल देते हैं, तो उससे वो लैंड के फर्टिलिटी तो ख़राब होती ही है, साथ में उसके आसपास की भी जो लैंड है जहाँ क्रॉप्स है, उसकी भी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। नॉइस पोल्यूशन क्या है? इज़ कंसीडर इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। ये इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट है कोज्ड बाय, जो कैसे होता है, सोर्सेज क्या है इसके, सोशल इवेंट है, कॉमर्शियल इवेंट्स है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है और ट्रांसपोर्ट है। अब देखते हैं कि हेल्थ, हमारी हेल्थ पे इसका क्या क्या फ़र्क डालता है, कि जब हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत पोल्यूट हो जाता है गैस या रेडियो एक्टिविटी या फिर हमारा CO2 से या NO2 से, तो उससे हमारे हेल्थ पे क्या क्या फ़र्क पड़ते हैं। जब एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, उससे हमारे नर्व डैमेज हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी का इशू हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। इवन दो WHO की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर ये बताया गया है 5% लंग्स का कैंसर का रीज़न हमारा एयर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन से भी हमें गैस्ट्रिक इशू होते हैं, जो सॉइल पोल्यूशन है उससे हमारे कैंसर हो सकता है, और हमारे रेस्पिरेटरी में भी काफ़ी इश्यूज आते हैं। अब हम देखते, ये तो हमने देखा कि एनवायरनमेंट क्या है, उसके काइंड्स क्या क्या है, और कैसे हमारे एनवायरनमेंट है वो हार्म होती है। अब हम ये देखेंगे कैसे लॉकडाउन से ये टेम्परेरी इम्प्रूव हुए हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन। मेजर सिटीज़ हैं हमारी, लाइक दिल्ली हो गया, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, इसके अंदर रिडक्शन हुआ है NO2 का, CO2 का, PM2.5 पार्टिकल्स का। NO2 क्या है? एक टाइप की गैस होती है जो हमारे इन्वायरमेंट में होती है, और सेम CO2 इम्बर्शन है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ ये सब बंद है, तो इसलिए हमारा CO2 और NO2 और PM2.5 जो पार्टिकल्स है वो हमारे इन्वायरमेंट में कम है, जिससे हमारी विजुअलिटी बहुत ज़्यादा है, हमें नीला आसमान दिख रहा है सिर्फ़ और सिर्फ PM2.5 के ड्रॉप के कारण।
दिल्ली का ड्रॉप हुआ है PM2.5 का 62%, नाइट्रोजन ऑक्साइड का हुआ है 50%। अब देखते हैं बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड है क्या। ये हाईली रिएक्टिव गैस है जो कि बर्निंग ऑफ फ्यूल से क्रिएट होती है। जहाँ पे भी बर्निंग ऑफ फ्यूल हो रहा है, चाहे वो कार के थ्रू हो रहा हो, बसेस के थ्रू हो रहा हो, पावर प्लांट के थ्रू, एविएशन के थ्रू, जहाँ पे भी बर्निंग ऑफ फ्यूल होगा हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्रिएट होगा। और ये देखा गया है अगर हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड मोर देन 200 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा हो तो वो बहुत डेंजरस इफेक्ट डालता है। PM2.5 क्या होता है? ये हमारा इक्विपमेंट है जो ये बताता है कि हमारे एयर के अंदर जो एयर पोल्यूटेंट्स है जिसका डायमीटर 2.5 है वो कितने हैं, जिसके कारण अभी हमें दिख रहा है कि आसमान क्लियर दिख रहा है, दूर तक की विजिबिलिटी है। वो सिर्फ इसकी वजह से है कि हमारे एयर के अंदर जो पोल्यूटेंट्स है वो कम हो गया है। पार्टिकुलेंट्स इन PM2.5 साइज रेंज आर एबल टू ट्रैवल डीपली इन टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक रीचिंग द लंग्स। अगर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं हमारे लंग्स के अंदर चले जाएं और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जा सकते हैं, जिसके अंदर हमारे हार्ट डिजीज होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है और इसके शॉर्ट टर्म हेल्थ इशूज़ हैं आइज, नोज, थ्रोट एंड लंग इरीटेशन, कफ, स्नीजिंग एंड रनिंग नोज। और हर साल मोर देन 4 मिलियन पीपल इसकी वजह से मरते हैं। आप देख सकते हैं ह्यूमन हेयर के जितना डायमीटर है उसका। देख लेते हैं 2019 का हमारा PM2.5 और 2020 का PM2.5 कितना रिडक्शन आया है हमारा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। अब इम्प्रूव हुई है हमारी वाटर क्वालिटी भी, यमुना गंगा जैसी रिवर्स हमारी बहुत इम्प्रूव हुई है। गंगा में तो इवन 40-50% इम्प्रूवमेंट हुई है और यमुना में भी इम्प्रूवमेंट देखी गई है। ये हमें बताया है DPC से, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने। और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द पोल्यूशन हैव बीन रिड्यूस्ड बाई 21% एंड ITO एंड 20% निज़ामुद्दीन एंड 18% ओखला। वाइल्ड लाइफ में भी काफ़ी सुधार आया है। अभी लॉकडाउन है, हम अपने आसपास की वाइल्ड लाइफ को नोटिस कर रहे हैं। जैसे ओलिव टर्टल दिखे हैं हमें उड़ीसा में जो कि 7 साल बाद दिखे हैं। डॉल्फिन्स दिख रही है मुंबई की तटों पर। रिडक्शन नॉइस पोल्यूशन, और हमारे नॉइस पोल्यूशन में भी काफ़ी रिडक्शन हुआ है क्योंकि हमने अभी देखा था कि नॉइस पोल्यूशन के रीज़न क्या करते हैं, कि नॉइस पोल्यूशन किस किस कारणों से होता है। वो कारण अभी के टाइम पे सभी ऑफ है, लाइक इंडस्ट्रीज हमारी ऑफ है और आसपास जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो भी हमारी बंद है, जिससे 50-75% रिडक्शन आया है हमारे नॉइस पोल्यूशन में भी। और वीडियो ख़त्म होने से पहले एक क्वेश्चन है जो हमारे द इकोनॉमिस्ट से निकल के आता है उनकी रिपोर्ट से, कि क्या हमारी इकोनॉमी है और इन्वायरमेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि ये देखा गया इस ग्राफ में हमें साफ साफ दिख रहा है कि जब जब हमारी इकोनॉमी अच्छी हुई है तो हमारी इन्वायरमेंट गिरी है, और इन्वायरमेंट अच्छी हुई है तो हमारी इकोनॉमी गिरी है। जैसे देखते हैं फर्स्ट ऑयल क्राइसिस हुआ तब हमारी इकोनॉमी गिरी, बट वैसे ही हमारी इन्वायरमेंट अच्छी हुई। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, हमारी इकोनॉमी गिरी बट हमारी इन्वायरमेंट अच्छी हुई। तो हमें खुद से सोचना है कि कैसे इन्वायरमेंट और इकोनॉमी है वो कैसे रिलेट करती है। और हमें ध्यान रखता है कि जो जो लॉकडाउन ने हमें बातें, अच्छी बातें सिखाई है वो हमें अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना है, चाहे लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाए। और अपनी इन्वायरमेंट के सुधारने के लिए कम से कम हर साल 1 हफ्ते का लॉकडाउन होना ही चाहिए ताकि हम और हमारी इन्वायरमेंट अच्छे से सांस ले सके। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।